आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भ्रष्टाचार समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने देहरादून में सचिवालय कूच किया। कांग्रेस के इस कूच की अगुवाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने की, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रेंजर्स ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, खासकर भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा बैकडोर भर्ती, UK SSC भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड की CBI जांच, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए बयानों पर सवाल खड़े किए गए। सरकार को हमारे तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। आदरणीय हमारे सीनियर लीडर आ जाइए, लगभग जो है प्रभुलाल जी आइए, प्रभुलाल भवन जी पहुंचे, संजय किशोर जी हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष, वो अपने तमाम साथियों के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे जैन साहब संजय जैन जी, हालात बस से बदतर है। कुशाल हमारी जी, बहन रावत जी, लक्ष्मण नेगी जी, अंकिता भंडारी, विक्रम कुमार जी, प्रताप सिंह जी होती है पहुंचे, हरिप्रसाद, पूरा उत्तराखंड इस बात को कहता है, पार्षद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मामचंद जी हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो भर्ती घोटाला सुमित भुल्लर वो आपके सामने, विधानसभा में जो भर्तियाँ हुई वो घोटाला आपके सामने है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है। एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय है। इन तमाम विषयों को लेकर के जो है हम जो है निश्चित रूप से जो है संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को आज घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार नहीं चेती तो इस कूच के बाद भी हमारा संघर्ष जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी कूच में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के दो दो मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब सरकार को इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए, जब राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हों। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आप देखिए इस काम को, हाथ कंगन को आरसी क्या, युवा कांग्रेस के साथ प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मजबूर करेंगे और जनहित की नीतियां त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और मुझे उम्मीद है कि माननीय तिरक सिंह रावत जी ने जो कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो साबित करता है कि सरकार पूरी तरह आकंठ में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गले में पोस्टर पहनकर अपना विरोध जताया। उन्होंने छावला हत्याकांड समेत अंकिता हत्याकांड, UK SSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।